अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आप सब लोगों का इंस्ट्रक्टर उमामा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल किक स्टार्ट मेंटोरिंग। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे आपने कुछ और बेसिक से सिलेक्शन टूल हैं हमारे, जिसमें हमने लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो में मैंने आपको मार्की टूल के बारे में बताया था। सेम उसी तरह आज हम एक नया टूल सीखेंगे, है वो भी बेसिक की और सिलेक्शन में हमें हेल्प आउट करता है। अगर हमें लेट सपोज किसी कोई चीज़, कोई एक इमेज है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको निकालना है, उसको यानी रिमूव करना है, या कोई भी उसमें कोई चीज़ की एडिशन करनी है, तो इन सब पर्पज़ के लिए ये बेसिक सा एक टूल है। तो आज जो हम टूल सीखने जा रहे हैं दैट इज़ लेसो टूल। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम लेसो टूल से क्या कुछ कर सकते हैं। तो चलिए जी, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे मैं आ जाऊँ और यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमारा ये एक लेसो टूल आता है, तो आज की लेकिन हम देखेंगे लेसो टूल, पॉलीगोनल लेसो टूल और मैग्नेटिक लेसो टूल के, और देखेंगे तीनों में डिफरेंस क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेसो टूल। सो जो लेसो टूल है दिस इज लाइक, ये एक हमें फ्री हैंड देता है सिलेक्शंस बनाने में। व्हाट वी हैव टू डू, हम लोगों को जैसे अपने माउस को होल्ड करके रखना है और हम कोई भी सिलेक्शन अपनी मर्जी की बना सकते हैं, कुछ भी, और जो हम सिलेक्शन बनाएंगे ये, और जब हम उसको अपना माउस का जो बटन उसको रिलीज करेंगे तो आप देखेंगे उसने ऑटोमेटिकली एक सिलेक्शन बना ली यहाँ पे। सो अच्छा, ये जिसका मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कुछ ऐड टू सिलेक्शन, सबट्रैक्ट सिलेक्शन, इंटरसेक्ट सिलेक्शन के बारे में, तो जो लेसो टूल है ये तो बिल्कुल सेम ही उसी तरह से काम करेगा। लेट्स सपोज अगर अभी आप देखें कि हमारी ऐड टू सिलेक्शन वाली ऑन नहीं हुई, जैसे हमारी सिंपल वाली फर्स्ट वाली जो मैंने आपको बताया था न्यू सिलेक्शन वाली ऑन हुई है, तो अगर तो अभी मैं कुछ और बनाऊंगा तो ऑटोमेटिकली आपने देखा कि उसने वो ओल्ड सिलेक्शन जो थी हमारी, पुरानी प्रीवियस सिलेक्शन सॉरी जो थी, सो ऑटोमेटिकली उसको डिलीट कर दिया। लेकिन मैं अगर इसको शिफ्ट प्रेस करके और साथ ही एक और सिलेक्शन बना लूँ तो आप वो देखें उसने ऑटोमेटिकली ऐड कर दी। बट अगर मैं ऑल्ट की को प्रेस करके रखूं और यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाओ तो अब आप देखिएगा कि उसने वो रिमूव कर दी, सेपरेट कर दी। सो ये है लेसो टूल। इसके भी वही फीचर्स हैं, अगर आप राइट क्लिक करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि डी सेलेक्ट, अगर आपको सिलेक्शन ख़त्म करनी है तो जस्ट यू हैव टू से डी सेलेक्ट और सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी, या प्रेस कर दे कंट्रोल डी, और बाकी इनवर्स फेदर ये तो सारा कुछ सेम उसी तरह चलता है। एक चीज़ है इसके अंदर नई, वो लेयर वाया कॉपी है। अब वो क्या करती है, उसके लिए मैं करता ये हूँ कि हम चलते हैं अपनी पॉलीगोनल लेसो टूल की तरफ, और पॉलीगोनल टूल जो है उसमें मैं आपको बताता हूँ लेयर वाया कॉपी का क्या काम है। ओके, सो अभी इसको तो आपने देखा कि ये बहुत ही एक फ्री हैंड के साथ हमें हेल्प आउट करती है। सो मैं चलता हूँ आगे, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक इमेज इम्पोर्ट करके रखी हुई है, तो मैं इसके ऊपर पॉलीगोनल लेसो टूल लेता हूँ। अच्छा, याद रखिएगा जो पॉलीगोनल लेसो टूल है ये स्ट्रेट लाइंस पर चलता है, ये कर्व्स पर नहीं चलता। अगर मैं वापस आऊँ और यहाँ पे आप ये देखिए, मैंने एक सेलेक्ट कर दिया, अब मैंने माउस को सेलेक्ट करके प्रेस करके नहीं रखा हुआ, लेकिन मैं जहाँ भी माउस को मूव कर रहा हूँ ये लाइन बिल्कुल मेरे माउस के साथ साथ, यानी मेरे कर्सर के साथ साथ चल रही है। लेकिन मैं जहाँ क्लिक करूँगा वो वहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर देगा और फिर वहाँ से आगे फर्दर इसी तरह स्ट्रेट लाइंस पे चलेगा, और जैसे ही मैं उसके बिल्कुल पास आया और मैं उसको क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली उसने एक सिलेक्शन बना दी। सो जो पॉलीगोनल लेसो टूल है वो स्ट्रेट लाइंस पे चलती है। अब हम करेंगे ये कि यहाँ से मैं आपको अपनी इस वाली पिक्चर पे पॉलीगोनल लेसो टूल अप्लाई करके दिखाता हूँ। सो हम थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ऑल्ट अगर तो आप माउस यूज़ कर रहे हैं तो आपने जस्ट ऑल्ट का बटन प्रेस करना है, और स्क्रोल बार से आप इसको जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। बट अगर आप माउस नहीं यूज़ कर रहे तो कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल माइनस करेंगे तो आपका जूम इन, कंट्रोल प्लस फॉर जूम इन एंड कंट्रोल माइनस फॉर जूम आउट। बट आई विल रिकमेंड कि आप माउस यूज़ करें ताकि आपको ये सिलेक्शन और ये सब बनाने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ओके, सो थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं और यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। आप ये देखिए कि मैंने जस्ट सिंपल सी सिलेक्शंस बना रहा हूँ और वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस के साथ साथ चल रहा है। ओके,
अच्छा, अब आपने एक चीज नोट की कि मैं इस वक्त अपनी जो कह लें कि कैनवस से बाहर आ गया हूँ। अच्छा, और कैनवस से बाहर आके मैंने एक चीज नोट की कि मेरा जो ये वाला पॉइंट था ये थोड़ा पीछे लग गया था। सही, तो जस्ट आपको यहाँ पे बैक स्पेस क्लिक करना है और वो वाला पॉइंट आपका रिमूव हो जाएगा और आप दोबारा से उसको ऐड कर सकते हैं। ओके, मैं अपना जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, तो ये आप देखें मेरी से एक सिलेक्शन यहाँ पर बन चुकी है। अब इसका फायदा क्या हुआ कि मैंने इसे सिलेक्शन बना ली, मैं सिंपली करूंगा क्या, मैं राइट क्लिक करूंगा और यहां से कर दूंगा लेयर वाया कॉपी। सो अब उसने एक लेयर वाया कॉपी कर दिया। अगर आप अपने राइट वाली साइड पर आए, ओके एक सेकेंड, ओके अगर आप राइट अपने लेयर वाले पैनल की तरफ देखें तो यहाँ पे उसने दो लेयर्स क्रिएट कर दी, एक बैकग्राउंड से और एक लेयर वन के नाम से। अगर तो मैं बैकग्राउंड को इस वक्त ये जो आई आइकन है, ये जो हमारी विजिबिलिटी है इसको खत्म करता है, अगर मैं इसको बंद कर दूं तो आपने देखा कि उसने यहां से पीछे से एक बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है जो कि हमने लेयर वाया कॉपी के थ्रू किया था। अच्छा, अब यही सेम काम हम सिंपल कंट्रोल जे करें तो भी होता है, वो लेयर में से उसको कॉपी कर लेता है, यानी जो चीज हमने सेलेक्ट की है। ऑलराइट, अगर मैं इसको यहां से, अब एक काम ये करता हूं कि मैं यहाँ पे एक शेप क्रिएट कर देता हूँ। ऑलराइट, मैंने शेप क्रिएट कर दी, रिक्टेंगल एक बनाया, लेकिन उस रिक्टेंगल को मैं लेयर वन के नीचे रखूंगा। अब उसकी रीजन क्या है कि मैं चाह रहा हूं कि जो मेरा बैकग्राउंड है उसमें मैं कोई कलर दे दूं। सो अगर अभी तो अभी देखिए ये व्हाइट बैकग्राउंड आ गया। अब मैं इसका यहाँ से कोई भी कलर इसको सिंपली चेंज कर लेते हैं हम, हल्का सा कोई, ये कोई भी कलर देने देंगे। तो अब आपने देखा कि वो कलर जो भी मैं उसकी तरफ जाता जा रहा हूँ वो कलर ऑटोमेटिकली उसके बैकग्राउंड में चेंज होता चला जा रहा है, जबकि एक्चुअल कलर जो था वो तो हमारा स्काई था, बट मैंने उसको चेंज कर दिया थोड़ा सा। अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखें, ओके मैं कोई और डार्क कलर ले लेता हूँ ताकि आपको डिफरेंस में थोड़ी ज़्यादा आसानी हो जाए, या हम कोई और डिफरेंट सा कलर ले लेते हैं। सो ये अब ये देखें कि जैसे ऐसे मैं उसको कर रहा हूँ तो वो हमारे वहाँ पे बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर रहा है। बट अगर हम ये करते कि अब जैसे हमने ये सिलेक्शन तो ले ली, लेकिन ऑलराइट वापस से हम आ गए, लेकिन अब हम कह रहे हैं हमें सिर्फ स्काई को सिलेक्ट करना है, तो हम करेंगे क्या, राइट क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो आपको अपना ये टूल सेलेक्ट होना चाहिए, जैसे ही टूल सेलेक्ट होगा आप राइट क्लिक करेंगे और कर दूंगा सेलेक्ट इनवर्स। अब मैंने सेलेक्ट इनवर्स कर दिया, जो बाहर वाला बाकी हिस्सा था वो सेलेक्ट हो गया, मैंने उसकी ये कॉपी बना ली। ऑलराइट, अब आप ये देखें उसकी कॉपी बनाई तो खाली जो स्काई वाला एरिया मेरे पास आ गया। अब स्काई वाले एरिया का मैं कोई भी अपनी मर्जी मुताबिक होकर कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं जाता हूँ ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट में, इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी डिक्रीज कर दी, कंट्रास्ट भी थोड़ी सी चेंज कर दी। अभी तो फिलहाल ये दोनों लेयर्स के साथ अप्लाई हो रहा है, बट मैं करूँगा क्या कि मैं कहूँगा कि ये सिर्फ लेयर वन पे अप्लाई हो जाए। सो मैंने दोनों को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, अच्छा, और मैंने यहाँ से कर दिया क्रिएट क्लिपिंग मास्क। अब क्लिपिंग मास्क का काम, फ़ायदा ये हुआ, ऑलराइट अभी ये बैकग्राउंड लेयर के साथ चला गया। सो जस्ट मैंने इसको सेलेक्ट करके क्लिपिंग मास्क किया। ओके, सो मैंने जो अपनी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट वाली लेयर है इसको क्लिपिंग मास्क कर दी लेयर वन के ऊपर, जो यानी कि जो इफेक्ट मैंने अप्लाई किया था वो सिर्फ लेयर वन तक अब महदूद रहेगा, वो उससे नीचे किसी और लेयर पे अप्लाई नहीं होगा। जब लेकिन अगर मैं इसकी रिलीज क्लिपिंग मास्क कर दूँ, जैसे इसको ऐसे रिलीज कर दूँ, तो अब वो सबके ऊपर अप्लाई हो रहा है। बट मैंने क्या किया, मैंने सिंपल इस पे क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दी, तो अब वो सिर्फ उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। सो अगर मैं लेयर वन बंद करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी ऊपर वाली लेयर भी डिसेबल हो जाएगी। सो ये तो था पॉलीगनल लेसो टूल। अब हम फर्दर थोड़ा सा और आगे चलते हैं और हम देखते हैं हमारा मैग्नेटिक लेसो टूल क्या काम करता है। ऑल राइट, सो दिस इज अ पिक्चर। अब इसमें से अगर हमें जो है कहते हैं, अच्छा सिलेक्शन पे डिपेंड कर रहा होता है आपके ऊपर कि आप कौन सी टूल को थ्रू करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम इलिप्टिकल मार्किंग टूल भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका लेसो टूल में हाथ थोड़ा सा अच्छा है आपका यूज़ कर सकते हैं, यानी सिलेक्शंस बहुत नीट बना सकते हैं, आप लेसो टूल यूज़ कर लें। सो इट्स लाइक ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ कौन सी टूल के थ्रू करना चाह रहे हैं। बट मैं यहाँ पे अब आपको मैग्नेटिक लेसो टूल करके दिखाऊंगा और मैग्नेटिक लेसो टूल का फ़ायदा क्या है।
सो लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक क्लिक कर दिया। अब मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ, अब आप यहाँ पे देखें कि वो ऑटोमेटिकली खुद ही से कुछ पॉइंट्स ऐड करता चला जा रहा है। और जैसे जैसे मैं फर्दर आगे जा रहा हूँ, मैंने कहीं कोई क्लिक नहीं किया, जस्ट मैंने फर्स्ट टाइम पे सिंगल क्लिक किया था और मैं आगे गया था। और अब जैसे ही मेरे एंडिंग पॉइंट पे आया तो मैंने एक क्लिक कर दिया, उसने ऑटोमेटिकली एक सर्कल में सिलेक्शन ले ली। सेम वही स्टेप्स मैं दोबारा से करूंगा, राइट क्लिक किया, लेयर, सॉरी लेयर वाया, अच्छा लेयर वाया कट करूंगा तो वो एक्चुअल लेयर में से उसको कट कर देगा। बट हम क्या करते हैं, हम ना लेयर वाया कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हम अपनी एक्चुअल लेयर को खराब नहीं करना चाहते। जो एक्चुअल इमेज है हम उसकी एक और कॉपी ले लेंगे, क्योंकि हो भी सकता है अब एक दफ़ा तो आपने सिलेक्शन ले ली, लेकिन बाद में आपको जाके रियलाइज हो कि वो ये सिलेक्शन थोड़ी ख़राब हो गई है और हमें दोबारा लेनी पड़ेगी, तो फिर से आपको दोबारा पिक्चर को करना पड़ेगा, तो इसलिए बेहतर है आप उसकी कॉपी लेके कर लें। अगर अभी मैं आपको दिखाऊं, मैं अपनी बैकग्राउंड में लेयर बंद करूं, तो यहाँ पे उसने कॉपी सी एक ले ली, उसको जितने कलर तो सेम सेम यहाँ पे लगे उसने उसके सेम की कॉपी ले ली। बट अब मैं करूँगा ये कि लेट्स सपोज हम वापस जाते हैं और यहाँ से मैंने यहाँ पे अगर आप ये नोट करें तो बॉल यहाँ पे है, इस जगह पे नहीं है। तो अब मैं करूँगा क्या, मैं सिंपली यहाँ से लेसो टूल में जाऊँगा और ऑल्ट प्रेस करके रखूँगा और जितने एरिया की मुझे सिलेक्शन नहीं चाहिए मैं वो सिलेक्शन निकाल दी सी। लेकिन अगर ये सिलेक्शन अच्छी नहीं हुई तो हम ये कर सकते हैं, एवेट तो आपने सिंपल ऑल्ट प्रेस करके रखना है और उसके बाद से वो सिलेक्शन निकाल देनी है, तो वो सिलेक्शन आपकी निकल जाएगी बिल्कुल उसके पास आके आपको छोड़ना है सी ऐसे। ऑलराइट, ये भी एक छोटी सी सिलेक्शन है, मैं इसको भी सही कर लूँ, ये हो गई। ओके तो बहरहाल अगर अभी मैं इसकी कंट्रोल जे कर लिया, मैंने एक उसकी कॉपी ले ली, तो पहले की निस्बत बहुत डिफरेंस है। हम अक्सर इस तरह से ट्राई बार बार उसको करके देख लेते होते हैं, यानी ट्राई भी कई दफ़ा कर देते हैं और कई दफ़ा हम डिफरेंट डिफरेंट टूल्स अप्लाई करके देख लेते हैं कि कौन सा टूल में हमारा काम सही चल रहा है। अगर लेट्स सपोज यहाँ मैं जाऊँ एलिप्टिकल मार्की टूल में और मैंने एलिप्टिकल मार्की टूल से इसको बना लेता हूँ मैं, तो अब आप ये देखें कि मैं उसको अपनी मर्जी से कहीं भी मूव करवा लिया। बट लेट्स सपोज मैं अपनी बैकग्राउंड लेयर को सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूँ, कि ये मैं इसमें ऐड टू सिलेक्शन और चीज़ें भी ऐड कर लेते हैं हम वो ये हम या इसी को सर्कल को यहाँ पे लेते हैं और इसको थोड़ी सी सिलेक्शन बड़ी कर लेते हैं। ऑलराइट, सिलेक्शन बड़ी करने का तरीका ये है कि आप सिंपली कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन आ जाएगी और ट्रांसफॉर्म करके आप अपनी सिलेक्शन को किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं। सही है। अच्छा, ये मैंने एक सिलेक्शन बना ली, इस वक्त मैं कौन सी टूल लिया, मैंने एलिप्टिकल मार्की टूल ले लिया। मैं सेम वही स्टेप्स करूँगा, लेयर वाया कॉपी। मैंने एक और लेयर बना ली, ये थोड़ा डिफरेंट सा था, ये थोड़ा और डिफरेंट हो गया। अब ये आपको एक आइडिया हो रहा होगा कि आपको कौन सी सिलेक्शन लेनी है। जो सिलेक्शन आपको लेनी है आप वो वाली सिलेक्शन ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा अब मार्की टूल के मैग्नेटिक लेसो टूल के अंदर तो दो चार चीज़ें और हैं, वो भी मैं आपको बता दूँ। मैंने बाकी चीज़ों की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था, इसी तरह लेसो और पॉलीगेनर लेसो टूल की तो ऐसा सच नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक लेसो टूल में कुछ थोड़ी बहुत आ जाती हैं। अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे विड्थ की ऑप्शन है। अगर लेट सपोज मैं अभी आपको इसकी विड्थ कम कर दूँ 1 पिक्सल, अब आप ये देखें कि जैसे जैसे मैं कहीं ऊपर जा रहा हूँ, यानी कि जो लाइन है वो मेरे माउस के साथ साथ चल रही है, वो ऑटोमेटिकली उसने उस बॉल को नहीं देखा। जबकि अच्छा, इसके अंदर भी एक चीज़ और, अगर आपसे गलती से कोई लग गया, जैसा ये अभी यहाँ से हो गया, तो आपने जस्ट सिंपली वापस पिछले वाले पे जाना है, बैक स्पेस दबाना है और वो पिछले पीछे वाला डिलीट होता चला जाएगा।
बट अभी हमारी 1 पिक्सल थी तो ये जहाँ जहाँ हमारा माउस जार था ये उसके साथ चल रही थी। सो अब हम करेंगे क्या, मैं यहाँ से इसकी इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ लाइक ओके लेट्स गो फॉर 50 पिक्सल्स। और अब मैं यहाँ से जैसे थोड़ा सा ऊपर भी जा रहा हूँ तो अब आप ये नोट करें कि वो मेरे बॉल की उस एज के साथ ही लाइन ऑटोमेटिकली उसके साथ स्टिक हुई हुई है। तो ये फ़ायदा होता है अगर आप थोड़ी सी उसकी विड्थ वगैरह बढ़ा लें। और जो है कहते हैं अगर आपका हाथ इस कदर यानी आपकी सिलेक्शन इस कदर नीट नहीं है तो फिर हम ये करते होते हैं कि आप उसकी कई दफ़ा विड्थ बढ़ा लें। और इसमें कोई ऐसा कोई इशू वाली बात भी नहीं है, आपने अपना एंड देखना है कि आपके लिए क्या चीज़ कितनी बेहतर है। सो आज की इस वीडियो के अंदर हमने लेसर टूल पॉलीगोनल और मैग्नेटिक लेसर टूल को सीखा। उम्मीद करता हूँ कि आपने आज की इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। सो अगर आपने मेरी इस वीडियो से कुछ सीखा है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिल सके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।